मोदी का प्रहार सट्टा पर आर पार। महादेव सट्टेबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार हमले हो रहे हैं। महादेव बेटिंग का मामला, इस पूरे मामले को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सियासी तौर पर बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सारे दिग्गज कांग्रेस को घेर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर निशाना साधा। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज पीएम मोदी ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को कितने पैसे मिले। पीएम मोदी ने यह भी पूछा कि दिल्ली दरबार में कितने पैसे पहुंचाए गए, यानी भ्रष्टाचार के आरोप को सीधे कांग्रेस में दिल्ली तक पहुंचाते हुए पीएम दिखाई दिए। अब हम आपको बताते हैं महादेव ऐप घोटाला कैसे सियासी महाभारत इस पर हो रही है। ईडी का दावा है कि महादेव ऐप घोटाले का कनेक्शन भूपेश बघेल तक है। ऐप प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप है भूपेश बघेल पर। कैश कुरियर है असीम दास की गिरफ्तारी के बाद ईडी को करीब 5.5 करोड़ बरामद हुए हैं। असीम दास ने कबूला है, ये कहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने पैसे लिए। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि महादेव ऐप घोटाले में अब तक हुई कार्रवाई क्या हुई है। 3000 से ज्यादा खातों का इस्तेमाल किया गया है आरोप के मुताबिक, जिसमें से 1000 से ज्यादा खाते फ्रीज किए गए। 39 शहरों में छापेमारी हुई, 400 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। कुल घोटाले में 5 से 6 हजार करोड़ का बताया जा रहा है। महादेव बेटिंग साइट की शुरुआत 17 में हुई थी और बाद में 2019 में ऐप तैयार हुआ। मार्च 2022 से अब तक इसमें 450 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो क्या महादेव सट्टेबाजी घोटाला वाकई भूपेश बघेल के लिए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगा? आज हम चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद होंगे। दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी की ओर से राधिका खेड़ा के बीच टक्कर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई तय कर दी। भूपेश बघेल सरकार पर लूट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, साथ ही महादेव ऐप घोटाले की चर्चा करके मुख्यमंत्री को सवालों में खड़ा कर दिया। पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, 2.5 साल में इतना भ्रष्टाचार किया, लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है। 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है? कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है? प्रधानमंत्री के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले, वो सिलेक्टिव कार्रवाई का न करे। करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वाशिंग पाउडर में धूल के आए ना, उसमें पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। आते रहेंगे चुनाव तक के आएंगे, उसके बाद तो कभी आए नहीं। कोरोना में क्या तकलीफ हुई पूछने कभी नहीं आए, है ना? किसानों की क्या तकलीफ हुई कभी पूछे नहीं, यहाँ के आदिवासियों की क्या तकलीफ कभी पूछे नहीं, वो चुनाव समय आते हैं बस। उधर मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की गारंटी स्कीमों पर वार किया। मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय और 1.5 साल में 50 से ज्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ, उनके हाथ में मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? मेरे आपको करबद्ध विनंती है कि एक बार मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाइए। दूसरी ओर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और लोगों को भरोसा दिलाया। जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती, तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घोषणा पत्र को लेकर दिलचस्प भिड़ंत। आपके घोषणा पत्र में और हमारे घोषणा पत्र में अंतर इतना है कि आपका घोषणा पत्र डस्टबिन में डालने लायक है और हमारा घोषणा पत्र कंप्यूटर में डालने लायक है, जिसमें एक एक घोषणा का हम क्रियान्वयन कैसे करते हैं लोग देख सकेंगे।
ये तो उनसे पूछिए जिनको हमारे मैनिफेस्टो चुरा कर अपने उसमें डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक चरण का चुनाव हो चुका है, 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इसी दिन मध्य प्रदेश में भी वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। दोनों पार्टियों के सामने एक राज्य में सत्ता बचाने की चुनौती है तो दूसरी जगह सत्ता हासिल करने की, लिहाजा मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आज तक सुधांशु जी, यही प्रश्न है, कब तक भ्रष्टाचार वाला कार्ड चलाइएगा कांग्रेस पर प्रहार के लिए? अंजना जी, आपने प्रश्न पूछा कब तक चलाइएगा, मैं तो दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कब से चल रहा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब यह बात आई थी कि कांग्रेस ने जल थल नभ तीनों में भ्रष्टाचार किया राजीव गांधी जी के जमाने में, यानी बोफोर्स तोप में, थल पर, सबमरीन में, जल में और हेलीकॉप्टर में, नभ में। और आज देखिए हम लोग कहां स्कूली छात्र से लेके परिपक्वता की आयु में आ गए। अब नई चीज, मतलब कोई भी नई चीज हो उसमें कैसे भ्रष्टाचार खोजना है ये अगर देखना हो तो दो पीढ़ियों से आप कांग्रेस को देखते रहिए। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता था तो गोबर में घोटाला करना हो और चारा में घोटाला करना हो तो इन लोगों को देख लीजिए। अब मोदी जी की वजह से अब डिजिटल रिवोल्यूशन आ गई है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई ऐप बना है और उसमें घोटाला करना हो तो इनको देख लीजिए। मतलब मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार को लेकर जो सृजनात्मकता है या रागात्मकता है, यानी अफेक्शन एंड क्रिएशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि किसी भी चीज में भ्रष्टाचार करके रख देते हैं। और मैंने इसीलिए बता दिया ये आज का नहीं, ये 35-36 साल पुराने से लेके आज तक एक सरकार राजीव गांधी जी के बाद से आज तक अपनी बता दें जिसमें इनकी सरकार में इन पे भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। हमारी सरकारों को छोड़ दीजिए, अटल जी की और मोदी जी की, इन दोनों सरकारों को छोड़ दीजिए, आप राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकार बता दीजिए तो कांग्रेस को स्वीकार कर लेना। अच्छा, पिछले 10 साल में सुधांशु जी उसकी आदत ये तो हो गया, मतलब उस जमाने से अब तक की बात हो गई। आपने 10 साल में कितने कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाला है? आपने वो भी बात अच्छी कही, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें लंबा समय लगता है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई थी इंदिरा गांधी जी की, और उसके बाद उनकी पार्टी की सरकार नहीं रही, राजीव गांधी की सरकार रही, 5 साल लगे थे उसके बाद, मतलब जिसमें सबूतों की कोई कमी नहीं थी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात थी, दसियों गवाह थे, सब कुछ थे, तो भी प्रक्रिया में 5 साल लगा था। मगर मैंने तो सिर्फ यह कहा ना, इनकी सरकारों में भी लगता है, इसलिए आपने कब तक पूछा, मैंने कब से बता दिया। ठीक है राधिका जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इनकी नजर है मेवा पर और मैं करता हूं सिर्फ सेवा, क्या कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के ये आरोप चिपकते हुए नहीं दिखाई दे रहे? अंजना जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, सुधांशु जी को दिवाली की शुभकामनाएं। अब प्रधानमंत्री जी की तो जी आदत है, कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल देते हैं, और ये मैं नहीं कहती कि वो उनकी बातें जुमला होती हैं, वो स्वयं गृह मंत्री साहब कहते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ की माटी के उस किसान पुत्र को यहाँ पे उनकी इमेज को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और बार बार, क्योंकि काम के ऊपर आप उनके ऊपर कोई लालछन नहीं लगा पा रहे, वो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को जो 15 साल के रमन सिंह और भारतीय जनता के पार्टी के कुशासन में झेलना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ सशक्त हो रहा है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर सबसे कम है पूरे देश में तो वो छत्तीसगढ़ में, और टॉप में छत्तीसगढ़ हर मकाम पे है, 60 से अधिक अवार्ड केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ को दे चुकी है। तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी और सामने हार नजर आ रही है, और किसी भी मुद्दे पे ये भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस पार्टी की सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं, तो एक इन्होंने अपनी ही मनगढ़ंत मनोरंजन कहानी गढ़ने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रही कि कहानी गढ़ी गई, इसका साक्षात स्वयं जो ड्राइवर असीम दास इन्होंने पकड़ा, उसने खुद कोर्ट के आगे जाके कहा। अब उसने स्वयं बताया कि शुभम सोनी मेरा दोस्त है, उसने स्वयं बताया कि मैं शुभम सोनी के साथ फुटबॉल और पता नहीं क्या क्या खेलता था, उसने मुझे दुबई बुलाया घूमने को, वहां पे उसने मुझे आईफोन भी लेकर दिया, फिर मुझे वापस भेजा और बोला कि एक गाड़ी आपको मिलेगी, वो गाड़ी की चाबी मिलेगी, उसको लेके आप ट्राइटन होटल
चले जाना, वहां पे वो गाड़ी लेकर जाता है, ट्राइटन होटल में उसे लोग मिलते हैं, उसकी वो गाड़ी के अंदर पैसे रखे जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि वो गाड़ी किसकी थी अंजना जी, क्योंकि वो फोटो स्वयं ईडी ने, भारतीय जनता पार्टी बोलने जा रही थी, मैं भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन डिपार्टमेंट ने ही जारी करी थी, तो वो जो नंबर था गाड़ी का अंजना जी, वो गाड़ी किसकी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे, जिन्होंने यहां पे खड़ा किया छत्तीसगढ़ में, उनके सुपुत्र की गाड़ी थी। और उनके सुपुत्र के उनके जो दूसरे बेटे हैं, सुपुत्र के जो भाई हैं, वो कौन है, वो 15 साल रमन सिंह की सरकार में मंत्री रहे अमर अग्रवाल, और अभी बिलासपुर से चुनाव फिर लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी की गाड़ी वहां उसको दी जाती है, उसमें पैसे रखे जाते हैं। वो कहते हैं ना कि सच आखिर सामने आ ही जाता है, आप जितनी भी कोशिश कर ले। तो साजिशें रची गई, कहानियां रची गई, लेकिन चोर एक गलती कर जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है, और वही भारतीय जनता पार्टी और शुभम सोनी ने गड़बड़ कर दी। वो गाड़ी उन्होंने जो पकड़ाई उसका नंबर उन्होंने कवर नहीं किया, और वो ईडी से सामने आ गई, पता चल गया कि वो गाड़ी, अब तो देखिए ना इतनी लंबी वो है। और यहाँ पे सुधांशु जी बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार की, विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला हो गया, अडानी साहब से इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। और मैं सुधांशु जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ एक मात्र प्रदेश है जिसमें सबसे पहले ये महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई करी गई, और सबसे ज्यादा 450 से अधिक गिरफ्तारियां यहाँ पे हुई, सबसे ज्यादा कार्रवाई यहाँ पे हुई। मुझे बता दे, क्योंकि पूरे देश में है ये ऐप, कितने भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में कार्रवाई हुई और कितनी गिरफ्तारियां हुई, आज आपके माध्यम से पूरे देश को बता दे। दोनों का जवाब दीजिए सुधांशु जी। और जो सवाल है वो बड़ा ये है कि गाड़ी बताया जा रहा है बीजेपी के नेता के बेटे की है, तो कहीं आप ही लोग तो नहीं साजिश रच रहे थे? देखिए अंजना जी, मैं दर्शकों तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, ये गाड़ी थी, उसमें पैसा आया, वो व्यक्ति लेके गया। एक कहावत होती हिंदी में, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। फटे हुए दूध से मथे मक्खन नहीं निकल सकता। अगर इतनी बातें कहानी बताने की जरूरत ही नहीं है सवाल पूछने की, सीधा साधा एक जवाब दे सकते थे भूपेश बघेल जी कि मैं शुभम सोनी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता, मेरी शुभम सोनी नाम के किसी, या जिन जिन लोगों का नाम आया है, असीम दास है वो, मेरी या मेरे किसी स्टाफ की ऐसे किसी व्यक्ति से ना कोई परिचय है ना मुलाकात है, बात खत्म हो जाती। इतना बाएं दाएं जलेबी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो गया था दुबई और उसको आईफोन दिया गया, उसके बाद उसने आके कहा और गाड़ी में पैसा भी है, गाड़ी भी है, अब गाड़ी का नंबर किसका है, गया तो था दुबई, शुभम सोनी से मिला भी था, शुभम सोनी ने वो भी जारी किया। इतने विस्तार में इतना उलझाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सपाट जवाब हो सकता था, परंतु वह स्थिति नहीं है, क्या करें। इसी कारण से जो राधिका जी ने कहा, मैं वही बात कहना चाहता हूं, दोबारा दोहराना चाहता हूं, कहा जाता ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो समस्या यह है कि जिसने कहीं कुछ गलत गड़बड़ किया होता तब वो घुमाना शुरू करता है कि इसको कैसे घुमाएं। दूसरे प्रश्न का उत्तर, इन्होंने अडानी वाला विषय कहा तो मुझे अचानक ध्यान आ गया, छत्तीसगढ़ और अडानी, माइंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है, और कितना, 16,000 करोड़ रुपए का। तो अब जब राहुल गांधी बता रहे हैं विदेश से पैसा आया है, फलाना है ढिमाका, वैसे उनके हिसाब से न सेबी पे भरोसा है, ना एसबीआई पे भरोसा है, ना किसी एजेंसी पे भरोसा है, उनकी एजेंसी पक्की, तो उनकी सरकार क्यों नहीं मान रही है? कैंसिल कर देना चाहिए ना भूपेश बघेल को, बस दूध का दूध पानी का पानी, घुमाने फिराने की जरूरत नहीं। और फिर राजस्थान में भी 60,000 करोड़ रुपए का जो दिया है वो भी कैंसिल कर देना चाहिए। तो ये समझ में नहीं आता, इसीलिए कहते हैं कि बार बार घुमाते रहिए मगर हकीकत को बताते मत रहिए। ये कांग्रेस की फितरत आज से नहीं जमाने से है, इसलिए हर जगह जाकर ये बुरी तरीके से उलझ जाते हैं किसी सवाल को जवाब देने में। ठीक है, जवाब दीजिए इसका राधिका जी। शुभम सोनी को मैं नहीं जानता, मैं शुभम सोनी से कभी नहीं मिला, ये बघेल साहब ने कहीं नहीं कहा है, इसकी वजह क्या है? और देखिए आरोप तो आरोप है ना, चिपकते हैं। आप लोगों ने भी कोशिश की, ना रफाल में कुछ निकला, ना अडानी में अब तक कुछ निकला है, वहां पर भी प्रोजेक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। पहली बात तो वैसे तो अधिकतर बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं सुधांशु जी, पर आज चूक कर गए, लगता है दिवाली की छुट्टी ज्यादा मना ली। आपको मैं याद दिला दूं कि जो कोल की माइंस है और सारा काम अदानी को यहाँ पे देने का है, वो आपकी केंद्र सरकार ने किया है, हमने नहीं किया। और राजस्थान में भी वसुंधरा राजे जी ने और आप लोगों ने किया था, हमने नहीं किया था। तो देश को बरगलाना बंद करिए। दूसरी बात, ये गाड़ी का नंबर है CG12AR6300, आप अपनी टीम को बोल सकते
सकती है अंजना जी, इसको सर्च कर ले, जिस कंपनी का नाम आएगा उसमें अमर, उसमें किसका नाम आता है, वो अमर अग्रवाल के भाई है, सब कुछ सामने आ जाएगा। गाड़ी शुभम सोनी जो उस आदमी को भिजवाता है, जो एयरपोर्ट से वो लेकर निकलता है, वही आदमी जिसको ये आज गवाह मान रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, आपने शायद उसका बयान नहीं पढ़ा सुधांशु जी, वो बयान जो जाके न्यायालय में देकर आता है कोर्ट में, वो ये कहता है कि मैं किसी भगेल का नाम नहीं लिया, मैंने कोई बयान ईडी के सामने नहीं दिया, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती, मुझे जबरदस्ती जहां साइन कराने को कहा गया मैंने किया। उसने क्लैरिटी से, आप देखिए वो कोर्ट में जाके क्या बोला है आदमी, मुझ पर प्रेशर था, मुझे डराया गया, मुझे यहां से दुबई बुलाया जाता है, मेरा दोस्त शुभम सोनी उसका दोस्त था, वो उसको बुलाता है दुबई, वहां उसके साथ दो कुछ दिन रहता है, उसको एक आईफोन दिया जाता है। अंजना जी, वो आईफोन लेके जब यहां आता है, वो खुद बता रहा है कि वो आईफोन उससे लेकर एक माइक्रोमैक्स या कौन सी कंपनी का उसको फोन दे दिया गया। शुभम सोनी को मैं नहीं जानता, शुभम सोनी से मैं कभी नहीं मिला। बघेल साहब ये क्यों नहीं कह पाते, क्यों क्यों? अब ठीक है, तो मैं आपके चैनल पे बैठ के स्टेटमेंट दे देती हूँ कि नरेंद्र मोदी को मैंने 150 करोड़ रुपए दिए हैं, तो आपके आईडी इस पे कार्रवाई कर देगी और नाम लिख देगी। उस आदमी ने, पहली बात, असीम दास ने भूपेश बघेल जी का नाम कहीं नहीं लिया था, ना पहले लिया ना बाद में लिया, लेकिन ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में भूपेश बघेल जी का नाम लिख दिया और उसके नीचे लिख दिया मैटर्स आर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। अरे भाई साहब, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है तो आप किसी का नाम कैसे डाल सकते हैं? अब मैंने कह दिया नेशनल टीवी में अंजना जी आपके सामने कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को 150 करोड़ रुपए दिए हैं, डालिए, करवाइए ईडी की कार्रवाई। मैं तो बोल रही हूं, अब मोदी जी आके कल भाषण में या अपनी क्लैरिफिकेशन दे दे कि मैं राधिका खेड़ा को नहीं जानता, ऐसा करवा देंगे सुधांशु जी। ऐसे कोई भी आके कुछ कह दे, जवाब दीजिए सुधांशु, जवाब देते रहेंगे। मैं तो साफ आज आपके चैनल पे बोल रही हूँ, मैंने नरेंद्र मोदी को 150 करोड़ रुपए दिए, क्या आप क्लैरिफिकेशन ला दीजिए मोदी जी की? देखिए अंजना जी, मैं दर्शकों से कहूंगा कि अब डिबेट के अंदर क्या विषय हो रहा है, तर्क और कुतर्क कहां तक आ रहा, मैं उस कुतर्क का भी उत्तर दे देता हूं। पहली बात, मैं राधिका जी से कहूंगा व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मैं अवॉइड करता हूं, मगर आपने इतनी बड़ी बात कह दी जो सरासर झूठ था कि राजस्थान में अडानी को सोलर का प्रोजेक्ट वसुंधरा सरकार के समय में मिला। अरे जनाब, अशोक गहलोत के साथ उनकी फोटो है और उस समय राहुल गांधी जी कर्नाटक में थे, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया कि आप अडानी पे आरोप लगा रहे हैं और आपका मुख्यमंत्री उनके बगल में बैठकर फोटो खिंचा रहा है, तो पहली बार राहुल गांधी ने अडानी जी शब्द का प्रयोग किया और कहा कि अगर कोई मेरे राज्य में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहा तो मुख्यमंत्री से। अरे इतनी इसके लिए तैयारी करके आने की जरूरत नहीं राधिका जी, आज सब तैयारी करी कराई रहती, सबको इतना याद है, इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है। और जही रही बात इसकी कि जो आपने ये बात कही कि मैंने 150 करोड़ दिए, अब मुझे नहीं पता कि मतलब आपकी कैपेसिटी 150 करोड़ देने की है या नहीं, या कांग्रेस के कितने नेताओं की 150 करोड़ देने की, तो आप ये भी कह दीजिए कि आप मोदी जी से कम मिली थी, बताइए। जब आप ये कह रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन, आप बताइए मोदी से कब मिली थी और किस संदर्भ में? मैं जवाब दे देती हूं। इसलिए मेरा विचार है तथ्यात्मक आधार पे गंभीरता से तर्क करना चाहिए। आप बताइए आप कब मिली और किस संदर्भ में? अंजना जी देखिए, फिर तर्क और कुतर्क दोनों का अंतर समान रखिए। जी जवाब देती हूँ, ठीक है जी, दोनों के जवाब देती हूँ। अब सुधांशु जी आप हर बार फंस जाते हैं, आप प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई भी बात सुधांशु जी बिना प्रूफ के नहीं करती, और मेरे सामने यहाँ पे प्रूफ है, 2015 की बड़े बड़े अखबारों की खबर है जिसमें लिखा हुआ है राजस्थान का जो अडानी पावर बिजनेस के साथ किया गया, दी एमओयू वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ राजस्थान चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे एंड अडानी एंटरप्राइजेस एमडी राजेश अडानी सेड द स्टेटमेंट। भाई साहब आप पढ़ के आया करिए, इसीलिए बोलते हैं जल्दबाजी में ना, जो आप लोगों की आदत है ना भारतीय जनता पार्टी की, कि आरोप लगाओ और भागो, आरोप लगाओ और भागो, ये कोई भी गूगल भी करेगा ना, बहुत इजी है, और आप लोग तो गूगल में ही सब कुछ बिलीव करते हैं। ये जो फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से आप लोग चलते हैं ना, पिछली बार भी मैंने आपको कहा था जब आपने कहा था कि मोदी जी को वीजा डिनाई नहीं हुआ है, तब भी आप पकड़े गए थे, और अभी फिर बता रही हूं वसुंधरा राजे जी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। मैं झूठ नहीं बोलती हूं और अपनी पढ़ाई दुरुस्त करके आती हूं। दूसरी बात आप बोलते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं, बघेल जी ने सीधा कह दिया था, अगर आपने ये सुना होता फिर आपकी तैयारी करके आए। उन्होंने साफ तौर के अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं किसी शुभम सोनी को नहीं जानता, कोई भी आके कोई नाम ले लेगा तो उससे ये नहीं हो जाता कि वो मुझे जानता है। यही बात मैं आपको साबित करने के लिए बोली थी कि मैं अगर बोल रही हूं कि मोदी जी को मैंने पैसे दिए, अब मोदी जी के ऊपर है कि साबित करें कि वो मुझसे नहीं मिले हैं। जैसे शुभम सोनी बोल के चला गया ना, मैं बोल रही हूं, अब आप साबित करिए। लेकिन बिल्कुल अपने क्लैरिटी से अपने स्टेटमेंट में भूपेश बघेल जी ने यह साफ तौर से कहा था, मैं किसी शुभम सोनी को नहीं जानता। अब इंतजार रहेगा कि मोदी जी कहेंगे कि मैं राधिका खेड़ा को नहीं जानता। फिर बता देती हूं, थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, यहां बैठे बैठे ही कर लीजिए, कि वसुंधरा राजे जी ने ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एमओयू साइन किया था। तो देश को बरगलाना बंद करिए, और आप लोगों
कि जो सच है वो अब धीरे धीरे ना उसके ऊपर से ना पर्दा बेनकाब होता है ना, परतें उतरती जा रही हैं, क्योंकि आप लोगों के पास कोई चीजें नहीं रह गई। तो शूट एंड स्कूट करने की आदत छोड़ दीजिए। 5 राज्यों से जनता आप लोगों को बाय बाय टाटा ओके बाय बाय करने वाली है। कर्नाटक में आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, आपने झूठ फैलाने की कोशिश करी, धर्म के नाम पे वहां पे आपने नफरत फैलाने की कोशिश करी, देश के गृह मंत्री वहां जाके ये तक बोला है कि यहां पे कांग्रेस की सरकार होगी तो दंगे हो जाएंगे। तो अब आप लोग ये बंद कर दीजिए। जहां आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं फिर बोलूंगी अंजना जी, कि छत्तीसगढ़ की माटी का पुत्र, किसान पुत्र यहां की सेवा कर रहा है, बेरोजगारी दर खत्म कर दी, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, किसान सशक्त बन रहा है, तो इनको तकलीफ तो होनी ही है। समझ नहीं आया राधिका जी, 7 अक्टूबर 2022 को जो ये गहलोत साहब गौतम अडानी के साथ स्टेज पर थे, जहां पर गौतम अडानी कह रहे थे कि अगले 7 साल तक बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब, मैं यहां पैसा इन्वेस्ट करूंगा, क्या कर रहे थे दोनों स्टेज पर? तो स्टेज पे बैठे हुए वो मुख्यमंत्री है, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो बात कर रहा है, लेकिन एमओयू तो हमने नहीं साइन किया था ना। अडानी एंटरप्राइजेस टू सेट अप कंट्रीज लार्जेस्ट 10,000 मेगावाट सोलर प्लांट इन राजस्थान, ये कब की खबर है? 9 फरवरी 2015। और ये जवाब दीजिए, कौन मुख्यमंत्री थी? वसुंधरा राजे के साथ साइन किया, उनको वो मिला हुआ है। और कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में हर चीज कैंसिल करने का काम किया है, केंद्र सरकार ने दिया था उनको। मैं जवाब देता हूँ। अरे भाई मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए राधिका जी ने जो बोला ना, उसके लिए गूगल करने की जरूरत है ना, पढ़ने की जरूरत है। एमओयू होने के बाद बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता और फिर जमीनें लॉट होती। आज आप कहिए कि जमीन किसके जमाने में लॉट हुई है? सैकड़ों एकड़ जमीन लॉट की गई है अडानी पावर प्रोजेक्ट को। आप ही लोग कहते हैं ना एमओयू तो बहुत साइन होते हैं, उसके बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होता, और आपके मुंह से क्या निकल गया? अगर ये वसुंधरा जी के जमाने में एमओयू हुआ था तो बकौल राहुल गांधी तो उसे तड़ से कैंसिल कर देना चाहिए था। आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट में बदल करके जमीन अलॉट करके प्रोजेक्ट के लिए दे दी, अद्भुत, जिसके लिए आप कह रहे हैं आपने संसद रोक दी थी कि विदेश से पैसा आया ये वो वगैरह वगैरह। पता नहीं आप लोगों को क्या ध्यान रहता, और आपको वीजा वाले बात पे याद नहीं आया, वो इसलिए हुआ था कि आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट लिख के दी थी यूएस एम्बेसडर को, उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि कोई सरकार अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी विदेश के लिख के भेजे रिपोर्ट। वो अपने आप में वो एक अलग विषय, छोड़ दीजिए उस वाले विषय पे। मैं तो सिर्फ आज ये बात कह रहा हूं, आप साफ बताइए कि जमीन किसके जमाने में अलॉट हुई, प्रोजेक्ट किसके जमाने में हुआ। और अगर आप कहती हैं एमओयू था तो एमओयू आगे क्यों बढ़ा? एमओयू को कैंसिल कर देना चाहिए था, आज बता दीजिए। लेकिन सुधांशु जी, आपको यह भी बताना चाहिए कि ईडी खाली चुनावों के पहले इस तरह से एक एक करके तमाम मुख्यमंत्रियों को टारगेट करती रहेगी, या फिर कुछ साबित भी होगा, या ये सिर्फ चुनावी झुंझुना आपके हाथ में रहता है जिससे आप आक्रमण करते हैं तमाम पार्टियों पर, सिर्फ पॉलिटिकल फायदा होता है? अंजना जी ऐसा है, ये भी बहुत जो प्रचार, नहीं मैं प्रचार के जाके लोग चेक कर लें कि ईडी ने जो केसेस रजिस्टर्ड किए हैं उसमें राजनीतिक दलों के विरुद्ध केवल 3% है, मतलब राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध केवल 3%, 97% बिजनेस के लोगों के हैं। और अभी तक जिन चीजों में चार्जशीट फाइल कर दी है, जिनमें चार्जेस फ्रेम करके कोर्ट में रख दिए, वो 90% से ऊपर है। और अगर उस आधार पे आप कहें तो देश के अंदर जो मर्डर के केसेस है उनमें कन्विक्शन रेट 2% होता है। सुधांशु जी यही केस के बावजूद यहाँ ये तो चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाते थे, यहाँ चार्जेस फ्रेम है। सुधांशु जी यही पे आप केस देख लीजिए। देखिए बहुत गिने चुने लोग होंगे ना जो सफल मुख्यमंत्री है, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो आम आदमी पार्टी के हो, कितनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री ने पर आरोप है कि 508 करोड़ रुपए, ये तो ईडी बता देता है सूत्रों के हवाले से, लेकिन चार्जशीट कहाँ है? अंजना जी, वे ईडी ने बताया कि ये शुभम सोनी का वीडियो था, तो वीडियो बाकायदा था। और मैं फिर यह बात रिपीट कर देना चाहता हूं, विदेश में बैठ के कोई भी भ्रष्टाचारी जब भ्रष्टाचार करता है तो उसके तार कांग्रेस से क्यों जुड़ जाते हैं? ये शुभम सोनी कोई नई चीज है क्या? इससे पहले राधिका जी को याद होगा क्रिश्चियन मिशेल भी तो था, तो वो भी आपसे जुड़ा हुआ था। ये गाइडो हैशके याद है, वो भी आपसे जुड़ा हुआ था। 2006 में वोल्कर रिपोर्ट याद है कि तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को आए थे, किससे? सद्दाम हुसैन से। अगर आपको नहीं याद हो, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था और वो सीधे सोनिया गांधी जी के हस्तक्षेप के साथ था। यह नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में जाके पढ़ लीजिएगा, वो आपके ही नेताओं द्वारा लिखी गई थी। उससे पहले याद करिए वो ओटागियो क्वाट्रोची, उसका भी कांग्रेस से ही कनेक्शन था। उससे पहले भोपाल गैस त्रासदी वाला एंडरसन, वो भी कांग्रेस। फिर मैंने बता दिया कब से अब तक सदैव विदेश में बैठ के कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है तो तार कांग्रेस से जुड़े रहते हैं और वार ये मोदी जी के ऊपर करने लगते हैं। जवाब दीजिए, आपकी बारी है राधिका जी।
देखिए बहुत हास्यास्पद स्थिति होती जा रही है क्योंकि ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं इन्होंने जो षड्यंत्र रचा उनके बल खुद ही गिर रहे हैं। अब महादेव ऐप के ऊपर वापस आते हैं, इधर से जाके फिर बाकी सारी चीजों पे आ गए। महादेव ऐप एक एपी के उसका चल रहा है जो आज तक मोदी जी ने उनकी सरकार ने बंद करने का काम नहीं किया। आपको पता है अंजना जी छत्तीसगढ़ में इनके इंचार्ज बन क्या है, चुनाव के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह जी वरिष्ठ नेता है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम तभी कोई ऐप बंद कर सकते हैं उसमें अगर कोई टेरिंग फंडिंग हो। उनको इतना तक नहीं पता था कि एक महीने पहले इन्हीं के प्रदेश के नेताओं ने और इनके अध्यक्षों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि महादेव ऐप से टेरर फंडिंग हो रही है। ये आपस में ही नहीं तय कर पा रहे हैं, फिर एक नया कैरेक्टर क्रिएट कर दिया जाता है। आपने कभी सोची इस बात को, वो शुभम सोनी आके कहता है कि मैं मालिक हूं, एक और वो दोनों मेरी इंप्लॉई हैं जो चंद्राकर और दूसरा आदमी है, एक इंप्लॉई की 200 करोड़ की शादी हो जाती है, कमाल के मालिक है। और कमाता इन्होंने तो अंबानी साहब को भी पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया कि एक आदमी मालिक है शुभम सोनी, वो चंद्राकर उनका इंप्लॉई है और इंप्लॉई की खुद की शादी 250 200 300 करोड़ की होती है जिसके लिए सारे फिल्म स्टार्स की ईडी बुला के पूछताछ कर रही है। कमाल का, आप सोचिए कितना पैसा है, लेकिन फिर भी मोदी जी उनको दुबई से लेकर नहीं आएंगे। हमने यहाँ पे लुकआउट नोटिस जारी किया, लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद हमारी राज्य सरकार तो जाके दुबई से अरेस्ट कर नहीं सकती, वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ना वो उनको लेकर आते हैं ना वो कभी वो एपी के लिंक बंद करते हैं, पूरे देश में वो चल रहा है लेकिन वो लिंक नहीं बंद किया जाएगा। मैंने यहाँ पे सुधांशु जी से पूछा कि आप बता दीजिए, क्योंकि वो पूरे देश में चल रहा है महादेव ऐप, आप लोगों की शासित प्रदेश जहां जहां है, आपकी जहां जहां सरकार है भारत में, मुझे ये बता दीजिए आपने कितनी कार्रवाई करी उन प्रदेशों में और कितनी गिरफ्तारियां करी। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कार्रवाई अगर इसके खिलाफ हुई तो छत्तीसगढ़ में हुई, 450 से अधिक गिरफ्तारियां हमारे प्रदेश में हुई, आप बताइए आपने अपने राज्यों में कितनी करी। और फिर एक और बार आ जाती हूं, आप हर बार ये गलती करते और फिर ये गलती कर दिए कि मोदी जी ने वीजा मोदी जी को डिनाई नहीं हुआ, और ये हम लोगों की स्टेटमेंट है। भाई साहब, स्टेटमेंट बाय डेविड सी मलफर्ड, यूएस एंबेसडर टू इंडिया, रूजवेल्ट हाउस, न्यू दिल्ली, मार्च 21, 2005। अंजना जी मैं आपको भी कॉपी भेज देती हूँ, खास तौर से यूएस एम्बेसी ने खुद ही लिख के भेजा, मैंने तो नहीं कहा, हमारी सरकार ने, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने वीजा मांगा, हमने उनको नहीं दिया, रीजन भी लिखा है क्योंकि वो किस तरीके से हेट फैलाने का काम करते। तो बार बार आप फंसते जा रहे हैं, वीडियो था 508 करोड़ दिए है शुभम सोनी, मैं यहाँ पे लाइव टेलीविजन में कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को पैसे दिए, प्रूफ करिए। जवाब सुधांशु जी, अन्य राज्यों में महादेव ऐप पर कहाँ कहाँ आपने कार्रवाई की? मैं जवाब देता हूँ, ऐसा तो है नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में चल रहा है। देखिए जिस अंजना जी आप याद करिए, जिस व्यक्ति ने बयान दिया उसने बयान क्या दिया है, उसने तो कहा है कि हम तो छत्तीसगढ़ के सीएम के ऑफिस के साथ कनावेस में काम कर रहे थे, उन्होंने इनके एक स्टाफ के व्यक्ति का नाम लिया, उसको 10 लाख रुपए महीने दे रहे थे और कहा उसके बाद हमारे आदमी गिरफ्तार हो रहे थे, तब हमने ये बात की कि हमारे लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं, तब उसने कहा कि आओ और हम बात करा देंगे, और पैसे की बात वहां पर आई। जब पूरी बात है तो साफ बोलिए ना, उसने तो कहा कि जब हमारे आदमी पकड़ने शुरू हुए तो उसने अप्रोच किया कि साहब हमारी तो आपके साथ इतने जमाने से बात चल रही थी, हम तो इतना रुपया महीना भेज रहे थे, इसके बावजूद हमारे लोग क्यों अरेस्ट हो रहे हैं। तो और ये प्रक्रिया तो जुलाई 2022 से चल रही थी, अब जो जो परतें खुलती जा रही हैं त्यों तो ये चीज सामने आती चली जा रही है। आपको सीएम भूपेश बघेल जी का वो बाइट दिखा दीजिए और वो कह दें कि साहब मेरे इस स्टाफ ऑफिसर कोई संबंध वर्मा नाम था, इसका कोई संबंध नहीं है, ये कभी नहीं मिला था, सरकार चाहे तो कॉल डिटेल निकाल ले, बोलिए ना। आपने कहा कि उन्होंने कहा, ये कहा होता तो पूरा का पूरा वीडियो सारी जनता के सामने होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते। आज तक तो हम लोगों ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं कि मेरा, मेरे स्टाफ का, जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है इसका कोई कनेक्शन नहीं। उल्टा उसने कहा है कि मेरे लोग गिरफ्तार होने शुरू हुए तब हमने अप्रोच किया कि हमारा तो आपके साथ इतना लंबा पुराना रिश्ता चल रहा था, ये कैसे हो रहा, तब उसने बुलाया और कहा कि इनसे मुलाकात कराएंगे वगैरह। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, पता नहीं आप डेविड मेलफोर्ड से कभी मिली थी कि नहीं, मेरी उनसे 2-3 बार की मुलाकात थी, और मैं फिर साफ कह देना चाहता हूं भारत की उन्होंने कभी उस समय वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आपने लिख के भेजी थी, और आप लोग तो उससे ज्यादा गिरी प्रवृत्ति के थे, आपने तो अमेरिकन सेनेट को लिख के भेजा था, जो भारत की संप्रभुता का अपमान था, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान था, भारत के लोकतंत्र का अपमान था, इसलिए वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। वरना मैं अधिकारी से पूछा जाता हूं, ये वीजा कैंसिलेशन पे कभी प्रेस रिलीज जारी होती है क्या, बताइए
इतनी बचकानी बात मत करिए, कभी प्रेस रिलीज जारी होती है, ये प्रेस रिलीज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसलिए मुझे उस विषय की आपसे बेहतर जानकारी। बातें फिर भांडा फोड़ते हैं, पिछली बार भी आपने यही कहा था। अंजना जी, मैंने आपको वो लिंक भेज दिया है, थैंक यू फॉर कमिंग दिस आफ्टरनून टू रूजवेल्ट हाउस। आई वुड लाइक टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन द इशू ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदीज वीजा स्टेटस। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्लाइड फॉर अ डिप्लोमेटिक वीजा टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मार्च 18, 2005। The United State Department has denied Mr. Modi the visa under Section 214B of the Immigration and Nationality Act because he was not coming for a purpose that qualified for a diplomatic visa. और सारे के सारे जो इसमें दिए हुए हैं 212A, 2G of Immigration Nationality Act, which makes any foreign government official who was responsible or directly carried out at any time, particularly severe violations of religious freedom, is ineligible for a visa to the United States. तो आज अगर उनको बुलाया जाता है, वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वीजा मांगा था तो डिनाई हुआ था, उसकी कॉपी मैंने आपको अंजना जी भेज दी है। ये हर बार ये कह के फंसते हैं। लेकिन वापस आते हैं महादेव ऐप के ऊपर। मैंने वो गाड़ी का नंबर बताया, उसको सर्च करिए, वो साफ तौर से पता चलता है कि अमर अग्रवाल के भाई की गाड़ी है। उसके ऊपर ईडी ने, और मजेदार बात यह है, एक ड्राइवर, इस पर बीजेपी का कहना है, इस पर कहना है राधिका जी, इस पर बीजेपी का कहना है कि वो गाड़ी 6 महीने पहले बेच दी गई थी। लेकिन वापस आइए, देखिए जिस एएसआई को अरेस्ट किया गया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को, इस पूरे केस में चंद्रभूषण वर्मा, जानती हैं आप उसके बारे में जी? ये उसने ईडी के सामने कहा है, मतलब उसने कहा है कि हवाला ट्रांजैक्शन से ये जो करीबी हैं भूपेश बघेल के, उनको पैसे दिए गए। लिंक्स तो ऐसे ही जुड़ते हैं ना, क्योंकि ये पैसा ऐसा तो है नहीं कि बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, काला पैसा बैंक से तो दिया नहीं जाता कि ईडी जाके ट्रेल पकड़ लेगी। यहाँ तो बयानों से ही पूरी लिंक बनती है और उस पर जांच आगे जाती है। अब ये तो एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको चंद्रभूषण वर्मा, अंजना जी, जिसको अरेस्ट किया गया, सुनिए ना जी राधिका जी, क्योंकि डिटेल्स में जा रहे हैं तो फिर मेरा सवाल भी सुनिए। तीन नाम जो उसने लिए हैं, जो नाम मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, विजय भाटिया, लक्ष्मी नारायण बंसल, आशीष वर्मा और मनीष बांकोर। ये जो नाम लिए हैं आशीष वर्मा, मनीष बांकोर, दोनों ओएसडीज हैं, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी टू सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। अब इस पर आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए। देखिए, जिसने जो नाम लिया उस पर कार्रवाई होगी, सच सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल है यहां पे, क्योंकि भूपेश बघेल जी का नाम लिया गया है, ईडी ने एक प्रेस नोट जारी करती है और वो चुनाव के बीच में, आप टाइमिंग देखिए, उनको ये सब शुभम सोनी वहां बैठा है, शुभम सोनी, और मजेदार बात देखिए, शुभम सोनी वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी को देता है और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियली वो वीडियो रिलीज होता है। वो ईडी के पास क्यों नहीं भेजा गया, वो पुलिस एजेंसीज के पास क्यों नहीं भेजा गया, वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से रिलीज होता है, शुभम सोनी बीजेपी को वो वीडियो क्यों भेजता है? गाड़ी जो पकड़ी जाती है वो बीजेपी के आदमी की है, ये कहते हैं बीटीवी है, हमने आरटीआई के माध्यम से वो निकाला गया, आपके लोग भी निकाल सकते हैं। जिस दिन वो गाड़ी पकड़ी गई उस दिन तक उसको बेचे जाने की कोई नई इंटीमेशन थी ना, वो गाड़ी का नंबर बदला गया। 6 महीने अगर कोई अपनी गाड़ी बेचता है तो वो अपने गाड़ी के नाम जिसको बेची है उसका नाम चेंज नहीं कराएगा, ये कैसी बात कर रहे हैं? और अब तो वो चेंज हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक बार वो पकड़ी गई उसके बाद कोई चेंजेस करे नहीं जा सकते। तो ये आरटीआई के हवाले से सामने आया और उसके अंदर है कि कोई भी रिक्वेस्ट भी नहीं गई कि उसका चेंज किया जाए ओनरशिप, कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो ये तीसरा, ठीक है, दोनों पर जवाब लेते हैं सुधांशु जी। जो असीम दास जिसको पकड़ा है, और ये शुभम सोनी ने बीजेपी नेताओं क्यों वीडियो भेजा, बकायदा कोर्ट में कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। शुभम सोनी ने वीडियो बीजेपी नेता को दे और उस ड्राइवर की हर बीजेपी नेता के साथ फोटो है, रमन सिंह से लेके सबके साथ। देखिए, अब देखिए कैसे बदलने लगा। पहले इन्होंने कहा गाड़ी का नंबर उनका है, फिर अब कहने लगी नहीं गाड़ी अगर बिक चुकी है तो उसके कागज क्यों नहीं ट्रांसफर हुए। यही तो आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ भी केस बनाया था, जिसकी वजह से आप कोर्ट में चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाई कि अगर 2 साल पहले वो स्कूटर उनका था तो वो ट्रांसफर होने के बाद कागज क्यों नहीं ट्रांसफर हुए। मगर सीधा जवाब ये नहीं आएगा कि शुभम सोनी से मेरी कभी मुलाकात नहीं, शुभम सोनी से मेरी मैं नहीं जानता, मेरा कोई व्यक्ति नहीं जानता, ये नहीं आएगा। और शुभम सोनी ने जो वीडियो जारी किया वो तो पब्लिकली जारी किया है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। और मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं इस वाले विषय के ऊपर, रूजवेल्ट हाउस कहां पे है राधिका जी? पढ़ के आइए, दूसरे विषय पर भी जवाब कर लेते हैं, अभी पूरी बात होने दीजिए। रूजवेल्ट हाउस कहां पे है? रूजवेल्ट हाउस कहां पे है जो आपने अभी पढ़ा प्रेस रिलीज?
मैं आपको बता रहा हूँ भैया, पहले इस पे बात। अब अगर उस विषय के डिटेल के ऊपर जाते हैं, आप इधर उधर मत घूमिए, आप बताइए। अरे तो उस पे आप गई थी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इधर उधर की आप प्रेस रिलीज की बात कह रही है, मैं उस बात को बता रहा हूँ कि वो सब आप लोगों की सरकार का किया हुआ षड्यंत्र था। आपकी सरकार ने लिख के भेजा था, उन्होंने कभी लिख के नहीं भेजा था। गाड़ी के ओनर का नाम ईडी ने अपनी प्रेस स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिखा? अंजना जी सिंपल सवाल है, ईडी ने वो जो गाड़ी के ओनर है उसका नाम क्यों नहीं अपने प्रेस स्टेटमेंट में लिखा? जब अपने मनगढ़ंत से उन्होंने भूपेश बघेल जी का नाम लिख लिया तो वो गाड़ी जो पकड़ी जाती है, जवाब दे रहे हैं, उसके ओनर का नाम स्पेसिफिक सवाल है सुधांशु जी, जवाब लिखा जाता है। अच्छा तो मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि वो गाड़ी यदि किसी की थी तो गाड़ी के ओनर के पास पैसा, ये जो इन्होंने तर्क दिया, आपकी गाड़ी कोई ले जाकर उसमें पैसा पकड़ लिया जाए किसी व्यक्ति का तो गाड़ी के ओनर की गारंटी होती, जबकि ओनर वहां पे है नहीं, ओनर 6 महीने पहले ट्रांसफर कर चुका है। सुधांशु जी कैसी बात कर रहे हैं, गाड़ी की बरामदगी होगी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में? एक साथ, अरे भाई बात तो सुनिए ना, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सर कार मिलेगी तो पहले ओनरशिप ही तो देखी जाएगी। नहीं सुनिए तो सुनिए वही मैं बात बता रहा हूँ। अगर गाड़ी बेची गई है तो गाड़ी पिछले दिनों से कौन चला रहा था उसका पैसा तो ट्रांसफर होता है ना, मकान की रजिस्ट्री हो ना हो, मकान का पैसा ट्रांसफर हुआ तो रजिस्ट्री होना, दोनों बात है बेचने का। इनको ये बात तो नजर आ रही है कि ओनरशिप ट्रांसफर होने का कागज, मगर एक बात नहीं बता पा रही है कि शुभम सोनी से नहीं मिला वो नहीं बोल सकते, शुभम सोनी को नहीं जानता वो नहीं बोल सकते, मेरे किसी स्टाफ को मैं बार बार कह रहा हूं वो नहीं बोल सकते। और जो बात उसने कही है साफ कहना चाहिए कि मेरे किसी व्यक्ति का कोई परिचय नहीं, नहीं वो तो है। और कितनी आसानी से राधिका जी भाग गई पुरानी सारी बातों से, जो मैंने 40 साल का रिकॉर्ड बता दिया कि हर विदेशी जो बाहर बैठ के भ्रष्टाचार करता है उसके तार आपके यहां से आके जुड़ जाते हैं, उसका आपने कहा वो छोड़िए। अरे भाई छोड़े कैसे, जब नरेंद्र मोदी जी कभी सत्ता में नहीं आए थे, मैं पुनः एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं, एंडरसन से लेके क्वाट्रोची से लेके वोल्कर से लेके गाइडो हेस्के से लेके क्रिश्चियन मिशेल से लेके शुभम सोनी तक एक पैटर्न है 40 साल का, उसका जवाब दे दीजिए ना। हर भ्रष्टाचारी बाहर का कांग्रेस के साथ यारी करता हुआ क्यों नजर आता? आपने कहा वो छोड़ दीजिए, इसका जवाब दीजिए। और इसमें भी क्या बचाव है? बचाव सिर्फ ये है कि पैसे भी पकड़े गए, उस आदमी का आप जवाब भी नहीं कर सकते। गाड़ी थी उस गाड़ी वाले व्यक्ति से पूछताछ होनी चाहिए। रुके राधिका जी, छोटा सा कमेंट, मैं अभी ट्वीट कर दूंगी सुधांशु जी, पता चल जाएगा यूएस गवर्नमेंट की साइट से वो आया है। दूसरी बात, मैं फिर आऊंगी, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं क्योंकि अपनी बातों में फंस रहे हैं, इनके पास भी जवाब नहीं है। अगर कोई गाड़ी बेचता है तो कोई सेल डीड होगी, कुछ होगा, कुछ तो दिखाएंगे। मैं फिर पूछूंगी, जब तक ईडीपी के पास सबूत नहीं होगा कि वो गाड़ी क्या कहां है, ओनर का नाम डाला जाएगा जो एज इट इज रजिस्ट्रेशन में नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों एक्सक्लूसिवली शुभम सोनी ने वोट उनको भेजा, वो वीडियो भेजा, और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की वो वीडियो रिलीज करती है, ये बहुत अहम मुद्दा है। और बार बार बघेल जी कह चुके हैं मैं किसी शुभम सोनी को नहीं। टाइम खत्म हो गया सुधांशु जी, सिर्फ दो लाइन, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। अब लग रहा है उस गाड़ी में हम बैठ गए, इन्वेस्टिगेशन वहीं पर अटक गई है जो इन्वेस्टिगेशन हम टीवी पे कर रहे हैं। हां मैं वही कह रहा हूं, सुनिए अंजना जी, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं शुभम सोमी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता और मैं उससे नहीं मिला हूं, बता दीजिए। अरे वो हर रोज सबके सामने, अंजना जी भेज दीजिएगा।